हेलो दोस्तों मैं हूं जु तो लर्न विथ इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों वर्तमान समय में बी पी एस सी टी आर थ्री को टारगेट करके विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं जीके जी एस के हुए या करंट अफेयर्स के हुए तो आज हम लोग करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट देखेंगे इससे दे पहले आठ वीडियो बन जा बनाई जा चुकी है सात पहले बनी थी और एक दो दिन पहले प्रैक्टिस सेट नंबर एक देखे थे आज प्रैक्टिस सेट नंबर दो तो देखेंगे यदि आप कंप्लीट बी पी एस थ्री का करंट अफेयर्स को कवर करना चाह रहे हैं तो मैं करंट अफेयर्स का एक लिस्ट बनाई हूँ वहाँ से जा कर के आप पूरा प्ले लिस्ट दे कर देख करके कम्प्लीट करेंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं यदि आप बी पी एस का कंप्लीट जीके जी का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्लासे चलाई गई हैं और चलाई जा रही हैं दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल का नाम है लर्न विथ इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी फोर यदि दोस्त आप पी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके डेली बेस पे पी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं क्लास दो का प्रश्न नंबर मई दो को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस जिल को भीम पोर्टल क्यूब्स का परीक्षण किया था प्रश्न दिया है मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीम पोर्टल क्यूब्स का परीक्षण किया है तो वो है आगरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा प्रश्न नंबर दूसरा है टाटा कंसल कंसल्टी सर्विसेज में कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है टाटा कंसल्टी सर्विसेज टी में कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है तो वो पेरिस में बनाने की घोषणा की गई है ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्रश्न नंबर तीन है मई 2024 को किस राज्य में पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई थी लेपॉर्ड कैट प्रश्न एक बार और देखते हैं मई 2024 को किस राज्य में पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई थी तो वो है महाराष्ट्र जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र में स्थित है प्रश्न नंबर चार है मई 2024 के मध्य अफ्रीका पर भारतीय अमेरिका वार्ता एक दूसरा दौरा कहाँ आयोजित किया गया प्रश्न दिया है मई 2024 के मध्य में अफ्रीका में पर भारतीय अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया है तो वो वाशिंगटन डी में आयोजित किया गया है आपसा नंबर बी सही होगा प्रश्न नंबर पाँच है इक्कीस से पच्चीस मई दो हजार चौबीस के मध्य संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम का आयोजन किस देश में किया गया है फ्रांस में जमैका में भारत में बार, बार में तो बार इक्कीस से तीस मई दो हजार चौबीस के मध्य संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम आयोजित किया गया है बारा, बार, बो, बार, बार में ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्रश्न नंबर छः है आई सी सी टी ट्वेंटी विश्व कप दो हजार चौबीस द टूर्नामेंट का कप्तान किसे नियुक्त किया गया था तो रोहित शर्मा को आईसीसी आईसीटी विश्व कप 2024 टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान नियुक्त किया गया था आपसा नंबर ए सही होगा प्रश्न नंबर सात है केन बेतवा लिंक नहर किस राज्य उद्यान से गुजरती है किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है तो जो केन बेतवा लिंक केन बेतवा लिंक नहर है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है आपसा नंबर सी सही होगा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठ है हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश कौन सा बना है अमेरिका थाईलैंड कुवैत जर्मनी तो हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश वो थाईलैंड है ऑप्शन नंबर भी सही होगा प्रश्न नंबर नौ है हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक किससे किसे प्रश्न दिया है हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक ने किसे प्रबंधक निदेशक बनाया है अनुराग बन्ना को अजित कुमार केकी को अजित कुमार ठाकुर को अनुराग ठाकुर को तो हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक ने अजित कुमार केकी को प्रबंधक निदेशक बनाया है आपसे नंबर भी सही होगा प्रश्न नंबर दस है हाल ही में प्रधानमंत्री को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ सेट द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है तो वो रूस में प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है नंबर सही राजस्थान में बिहार में तो हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना उत्तर प्रदेश में, तो में प्रारंभ की है ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रश्न नंबर बारह है दस वर्षों के लिए सुरक्षा सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहरा राज्य कौन सा होगा तो वो राज्य राजस्थान है जो दस वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भला राज्य बना बना है प्रश्न नंबर तेरह है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आई डी वाई का विषय क्या था स्वयं और समाज के लिए योग रोग के लिए योग जन जन तक योग पहुँचाना योग प्रयुक्त में से कोई नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो इक्कीस जून को मनाया गया था उसका थीम था स्वयं और समाज के लिए योग ऑप्शन नंबर ए सही है योग दिवस प्रत्येक इक्कीस जून को मनाया जाता है ये साल भी इक्कीस जून को मनाया गया था प्रश्न नंबर चौदह है जून दो हजार चौबीस आठवीं अरुणाचल प्रदेश पर्धे, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है प्रश्न दिया है जून दो हजार चौबीस आठवीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है तो तेमस पोंगट्टी को चुना गया है ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्त जो ये चलाई जा रही है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है बीपीएससी पी एस टी आर ए थ्री और फोर दोनों के लिए आप ध्यान से इस सीरीज इन सीरीजों को एक से दो बार समय निकाल करके दस से बारह मिनट की वीडियो होती है इससे लंबी नहीं होती है आप पूरा कंप्लीट यदि आपकी तैयारी नहीं हुई है तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं यदि आप सरसरी निगाहों से एक से दो बार दो दो बार देख लेंगे तो आप लोगों का कंप्लीट जीत के जी एस की तैयारी हो जाएगी और बिहार स्पेशल के भी कुछ क्लास गई हैं और करंट अफेयर्स का भी कंप्लीट करेंट अफेयर्स दस क्लासों में कंप्लीट करा दिया जाएगा और हिंदी स्पेशल का इसके बाद हिंदी स्पेशल का क्लास आने वाला है आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की सहायता करें दोस्त मैं प्रश्न बता रही हूँ उससे पहले आप हमारे कमेंट बॉक्स में यदि आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके जो गलती परीक्षा हाल में करनी है वो यहीं कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा चलिए बिना समय को अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं क्रिस गेल का सबसे तेज टी ट्वेंटी शतक का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है तो वो साहिल चौहान ने तोड़ा है आप नंबर भी सही है प्रश्न नंबर सोलह है जून दो में संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट में कौन से देश शीर्ष पर रहा है प्रश्न यह है दो हज़ार चौबीस में संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सतत विकास रिपोर्ट में कौन सा देश सिर पर रहा है शीर्ष पर रहा है तो वो फिनलैंड है ऑप्शन नंबर ए सही होगा प्रश्न नंबर सत्रह है हाल ही में डेविस बीज में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है वे किस देश से खेलते थे हाल ही में डेविस बीज ने ये खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की है वे किस देश से संबंधित है वे नामीबिया से संबंधित है ऑप्शन नंबर बी सही होगा डेविस बीस एक क्रिकेटर हैं हाल ही में किसने नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है प्रश्न दिया है मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है तो विनोद गड़ात्रा को ये पुरस्कार मिला है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रश्न नंबर उन्नीस है हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया को ये या न्यायमूर्ति सुष्मिता फुक, फुकन खांड को उपरुक्त में से दोनों इनमें से कोई नहीं तो हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में द, दोनों लोगों को नियुक्त किया है कौन कौन है न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया और न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन खांड को इस तरह ऑप्शन नंबर सी सही होगा प्रश्न नंबर बीस है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई निगरानी प्रणाली के संदर्भ में ई फ्लो का पूर्ण रूप क्या है अपूर्व प्रवाह पर्यावरणीय प्रवाह पर्यावरण प्रदूषण पूर्ण प्रवाह तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई निगरानी प्रणाली के संदर्भ में ई फ्लू का पूर्ण रोग पर्यावरणीय प्रवाह है ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रश्न नंबर इक्कीस है हर साल कब विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है बाईस जून को तेईस जून को पाँच जून को तेईस जून को तो हर साल वर्षा वन दिवस बाईस जून को मनाया जाता है इक्कीस जून को योग दिवस मनाया जाता है पाँच जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है एक वीडियो में एक दो दिनों में देशों से संबंधित एक ही वीडियो में कवर करवाऊंगी आप लोग उसको उसको फुल सपोर्ट करिएगा कोशिश करूंगी कि एक दिन बाद वो वीडियो आए जिसमें कंप्लीट देशों को कंप्लीट कराया जाएगा हाल ही में किस प्रश्न नंबर बाईस है हाल ही में किस देश ने प्रश्न दिया है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यहाँ होगा राष्ट्रपति ने अप्रवासी की नागरिकता देने के लिए एक नए प्लान प्लान की घोषणा की है प्रश्न दिया है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों के लिए नागरिकता देने के लिए घोषणा की है प्रश्न नंबर तेईस से हाल ही में कहा की सेना ने रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला है तो वो नई दिल्ली में खोला गया है ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्रश्न नंबर चौबीस से हाल ही में वान जलवायु सम्मेलन दो हजार चौबीस कहाँ संपन्न हुआ है तो वान जलवायु सम्मेलन जर्मनी में सम्पन्न हुआ है ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न हाल ही में पिथक्न पिथ पिथक्न दिया है थोड़ा टेढ़ा शब्द है पीथक्पन नायर का निधन हुआ है कौन थे वे क्रिकेटर थे अभिनेता थे इतिहासकार थे या कवि थे तो पी थप्पन ये इतिहासकार थे ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों रोज की तरह मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि कंटेंट मैं ही तैयार करती हूँ यदि इसमें कुछ कमी या कुछ त्रुटि हो जाए तो उसे कमेंट बॉक्स में सुझाव देने का कष्ट करें यदि हमारे पढ़ाने में कुछ कमी हो तो भी सुझाव दें और आप किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके साथ साथ अपने दो मित्रों में मेरे वीडियो को शेयर करिएगा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत